ये स्थिति है जी पाए की। ओ देखो इस कुकर के बीच ये पाए का पीस, पाए कुकर लेके डाल दो तो पाए वो और पड़ गया। ये होती है ताकत। क्या होती है? ताकत। हेलो जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। दोस्तों बात करते हैं आज की वीडियो की। भाई वीडियो इस प्रकार से कि आपका भाई आज बनाने जा रहा है भाई दही पाया करी या तड़के वाली दही पाया करी बोल लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना। भाई देख रहे क्या भैया जी, खरोड़े यानी कि पाया। हाँ, बकरे का पाया भाई कितने ऑली 2 kg। तो जब करना क्या है भाई, कुकर लगा दिया है जी, तो डाल दो सारे के सारे पाए इस कुकर के बीच। बा इज्जत। तो जी सारे के सारे पाए मैंने डाल दिए विदाउट एनी तेल, विदाउट एनी ऑयल, विदाउट एनी देसी घी। अब करना क्या है भाई, ये देख रहे हैं क्या भाई जी, लहसुन है जो कि करीब 2.5 tablespoons है। तो इसमें करना क्या जी, इसमें डालो जी पानी पर भर के। तो जी कर दो इसको मिक्स मुक्स चंगे से। तो जी डाल दो सारे का सारा। तो जी इसमें पानी और डाल दो इसके लेवल तक का, मतलब खरोड़े के लेवल तक, ठीक है नी। तो जी खरोड़ के लेवल तक मैंने भाई पानी मिला दिया जी। अब करना क्या है, डाल दो जी नमक भाई स्वाद के अनुसार, भाई ज्यादा नहीं मिलाना भाई क्योंकि बाकी भी कार्रवाई रहती है ना भैया। तो जी कर दो इसको मिक्स मुक्स चंगे से। तो जी मिक्स मुक्स मैंने कर दिया, तो इसकी एक उबाल का फिलहाल अब वेट तो कर लो। तो जी उबाल आ चुकी और अब ये देख रहे जो ऊपर आ रहा है मटेरियल, ठीक है जी भाई इन्हें चाक कर लो, इसे उठा कर ना मैंने बाहर निकाल दो। जी मैंने निकाल दिया जितना निकलता था। अब करना क्या जी, करना कुछ खास नहीं है, ढक्कन कर दो बंद कुकर का और इसे 90%, ठीक है भाई गलाओ। तो दोस्तों भाई सारी सीटी निकल चुकी है जी। ओए भाई मुद्दा ये जो पाया है, ठीक है जी, जो मेरा पाया है जी, मेरा नहीं बकरे का जो पाया है वो गला कितना है, ओ मखन है मखन भाई इतना ही है, 90-95% है, ठीक है। अब करना क्या जी, करते नेक्स्ट कार्रवाई। तो जी नेक्स्ट कार्रवाई इस प्रकार से जी पतीला लगा दिया जी, इसमें डालता हूँ जी मैं 6 tablespoons भाई देसी घी पड़ जाओ। तो जी थोड़ा मिला मुलू लो चंगे से। तो जी साथ में डालेंगे जी इसमें भाई मस्टर्ड का तेल भाई कितना, ओनली 4 tablespoons। तो जी इसके हल्के फुल्के गर्म होने का वेट कर लियो। तो जी तेल हल्का फुल्का गर्म हो गया जी, इसमें डालो जी मैं 1 चम्मच भाई काली मिर्च। भाई कितने डाले होंगे, 20-25 डाले होंगे, ज्यादा नहीं है यार भाई। 2-3 तेज पत्ता, 4-5 लौंग, 2 बड़ी इलायची काली वाली, 5-6 इलायचियां। तो जी मिला मुलू लो चंगे से। तो जी खुशबू आने तक का भाई वेट कर लो, ठीक है ना। तो जी सोधी सोधी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है जी। अब करना क्या है भाई, इसमें डालते जी 20-25 कलियां भाई लहसुन की। तो जी मिला लो उसको भी चंगे से। इसे आप करीब 10-15 सेकंड भाई घोलते रहो, मिलाते रहो। तो जी 10-15 सेकंड तो नहीं भाई, मैंने 30-35 सेकंड इसे भून लिया जी। अब करना क्या है जी भाई, डाल दो जी इसमें प्याज। भाई ये प्याज कितना है, ओनली 300 ग्राम है यार, 300-350 ग्राम होगा, ज्यादा नहीं है यार। तो जी इसे ब्राउनिश होने तक भाई पका लीजिए। तो जी प्याज अपने हल्के हल्के पिंकिश ब्राउनिश हो गए हैं जी, इस मौके बढ़ा देंगे हम भाई 1.5 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट भाई मिला लो चंगे से। अभी आप इसको आप करीब दोबारा 3 मिनट तक भाई हाई फ्लेम पे भाई पकाते रहेंगे अदरक के साथ साथ में। तो जी प्याज अपने ब्राउनिश हो चुके हैं जी। अब करना क्या जी, गैस का फ्लेम फटाफट लो कर लियो भाई, कर छिटकाओ जी ऐसे ही। हाँ, इसमें डालते जी आधा चम्मच भाई हल्दी, यानी कि हल्दी भाई 4-5 चम्मच भाई कश्मीरी लाल मिर्च का पार भाई, 3 टेबल स्पून मीट का मसाला जो बताया मैंने जी, जो कि मेरा फेवरेट है जी, इस मसाले को भी मिलाना नहीं, ठीक है जी। अभी बताता हूँ क्या करूँ भाई। ये देख रहे हो क्या है भाई, ये जी खरोड़े का सूप भाई, ठीक है पाए का सूप भाई डाल दो साथ में 2 कड़छी अलॉन्ग विद 3 कड़छियां। गैस का फ्लेम हाई कर लो और इसे चंगे से मिक्स मुक्स कर। तो जी एक और बुला लो। अब आपने करीब करीब इसे भाई 8-10 मिनट तक भाई भूनते रहना। अगर लगे कि भैया ये ड्राई हो रहा है तो इसमें आप दोबारा से भाई इस पाए का जो सूप है भाई मिलाओगे और चलाते रहोगे, ठीक है जी, ये ध्यान रखिए इसका। तो जी 7-8 मिनट हो गए जिसको मेरे को भूनते हुए। अब करना क्या जी, गैस का फ्लेम फटाफट बंद कर दो और इसके हल्के फुल्के ठंडे होने का वेट कर लो। तो जी मसाला हल्का फुल्का शांत हो गया जी। अब हम इसमें मिलाते हैं जी भाई करीब 150 ग्राम भाई बिस्किट दही, मतलब फेंटा हुआ दही। तो जी इसे चंगे से मिला लो। अब आप गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। तो जी मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया जी भाई, इसकी उबाल तक करछी ना वो चलाते रहिए आप। तो जी उबाल आ गई, करछी चलाते चलाते अब करना क्या जी, भाई गैस का फ्लेम हाई रहने दो। इसमें डालो जी 1.5 चम्मच भाई जीरे का पाउडर, 2 चम्मच भाई धनिया का पाउडर भाई, 2 चम्मच गरम मसाला जो हमने बाजार से लाया जी रेडीमेड, ठीक है जी। जी बा इज्जत इन्हें सबको मिला लो आपस में चंगी तरह से। अब 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे चलने दो सही इन मसालों को। तो जी 2 मिनट हो गया जी मसालों को पकते हुए, गैस का फ्लेम लो कर दो जी फटाफट। तो जी डाल दो बा इज्जत ये पाए का पीस, ये दुआ पीस भाई कुकर लेके डाल दो तो पाए वो और पड़ गया। पर छिड़को जी नमक, ठीक है ध्यान रहे कि नमक हमने पहले भी मिलाया उसी हिसाब से ध्यान रहे चीज का, ठीक है नहीं। गैस का फ्लेम हाई कर लियो और इसे मिक्स मुक्स कर दो जी पाए वो चंगे से। और लगे कि भाई करी कुरी कुछ कम लग रही है तो गर्म पानी ऐड करना, ठंडा पानी ऐड नहीं करने का बाबा, ठीक है नहीं।
तो जी अब कुमकाओ और उबाल का वेट तो कर लियो। तो जी उबाल आ चुकी है जी, अब करना क्या जी, गैस का फ्लेम लो कर लो, इस पे ढक्कन रख लो करीब 15 से 20 मिनट के लिए, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों पूरे के पूरे 20 मिनट हो गए, चेक कर लो भाई ये स्थिति है, क्या स्थिति है, एकदम मस्त स्थिति है, करी एकदम बराबर है जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है जी। लो जी भाई बनके तैयार है जी, करते हैं जी टेस्ट। तो लो दोस्तों भाई बनके तैयार हो जी अपनी भाई दही पाया करी, या भाई तड़के वाली दही पाया करी बोल लो भाई। देखो यार भाई बताओ पहले कि आपको दिखने में लग कैसी रही, भाई देखो जमना स्टार्ट हो गया हुआ है, देख रहे हो आप, जबकि अभी गर्मी है, अभी कुछ मिनट ही हुए इसको बने हुए यार। देखो ये इसकी हालत है, देखो ये देखो जी इसकी हालत, ये देखो ये होती है ताकत, क्या होती है ताकत, ये हाँ अलोंग विद देसी क्यों ताकत। हाँ भाई देखो ये जी करी की स्थिति भाई, ये सूपी सूपी टाइप नहीं है, ये ना सोचना ये सूपी सूपी टाइप है, ये एकदम एकदम सब्जी स्टाइल है, जैसा मटन वगैरह बनाते ना चिकन वगैरह, ये मैंने उसी ट्रेंड में बनाया हुआ है जी। भाई चक ले था कितने बड़े पीस है यार, भाई देखो जी ये स्थिति है जी पाए की, फर्स्ट क्लास दिख रहा है जी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है। और भाई साथ में और ख्याल लिया जी, साथ में लिए जी ये खाली कटोरा जो इज्जत मेरे प्लेट में आएगा, दिस इज कटे कटे प्याज एंड निक्के निक्के जी ये खीरे। अब मुद्दा ये है जो इसकी मस्त मस्त करी है, ठीक है जी, वो स्वाद में कैसी है बाबा। आ आ भाई बाबा इज्जत आ मेरे प्लेट में, नहीं कटोरे में, या कटोरी बोल लो। एक और है तो ताकती चीज़ है भाई, नो डाउट। भाई देखो जी ये जी स्थिति है, अगर आप हाथ लगाओगे ना एकदम हाथ चिपकी चिपकी हो रहे हैं, मतलब कि चिपकी चिपकी, अगर दो मिनट हो गए ना दो मिनट तो आपके हाथ चिपक जाएंगे यार, सच में कह रहा हूँ मैं। तो आओ भाई इससे हम पीते हैं बा इज्जत, देखते हैं टेस्ट कैसा है। भाई वाकई में यार भाई जाबर है भाई, करी बहुत ही ज्यादा जाबर है, बल्कि जाबरा नहीं है, जबरानसा नहीं है, बट जाबर कैटेगरी में ये आ चुकी है भाई। जो ग्रेवी का जब आप चखोगे ना भाई, आपको महसूस होगा भाई ग्रेवी बहुत गाढ़ी है, बहुत मोटी है, बल्कि ये पानी टाइप, मतलब कि पानी टाइप ग्रेवी नहीं है यार, ये सूपी सूपी टाइप नहीं, जैसे मैंने बताया आपसे भाई, बहुत गाढ़ी गाढ़ी है, बल्कि लोडेड है, लोडेड भारा है भाई, मजेदार। अब मुद्दा ये है कि भाई पीस कह रहा इसे पाया पीस इसी में पा दे, आए इसे पा दे यार, क्या बाहर निकालना यार, आ बह जा भाई थरू। भाई देखो ये जिस स्थिति है इसे पाएगी, देखो अब मुझे दो हाथ यूज करने पड़ेंगे भाई आपको दिखाने के लिए कि भाई गर्मी स्थिति कैसी है भाई, गर्म बहुत है यार। भाई देखो देखो ये ए ए ए ओ देखो जी क्या चीज है यार, क्या चीज है। आ भाई इसे डुबो डुबो के खाते हैं जी इस करी में। आ भाई ओए स्वाद है भाई, स्वाद है यार भाई, मक्खन मेरे मक्खन को लोग कहते मक्खन खा ले भाई डायरेक्ट। ओ भाई मक्खन तो ईडियम प्रेजेंट होते हैं यार भाई, वाकई में मक्खन जैसा एकदम मुंह में ही गुलगुल गया। आ भाई ये देखो ये बहुत ही जाबर होता है यार। ओहो हाँ मैं कुछ बल्कि हड्डियों का ना जो अंदर वाला मटेरियल है भाई वो भी निकल चुका है यार, है देखो हाँ निकल चुका है, तभी जबकि इतना गाढ़ा गाढ़ा हो गया हुआ है यार। आ तो भाई बाहर आप देखते हैं ऐसे वहाँ। हाँ भाई बा इज्जत कुछ और पीस ले भी देते हैं, आओ यार इकट्ठे सारे ले लेते हैं। हाँ भाई देखो जी ये स्थिति है, देखो मैं कहा ना आपसे आधा माल तो उठ गया यार, ये खाते हैं यार राजा, वही बड़ा गर्म है यार, बहुत गर्म है। भाई ये देखो ये निकल गया हड्डियों से माल यार, ये देखो दही ने वाकई में इसमें ना एक टर्निंग पॉइंट दिया हुआ यार फ्लेवर में, जबकि हम पहले दही यूज़ वगैरह करते नहीं थे यार, है ना, हम तो सिंपल वो खड़े मसाले डाल के वगैरह करके ना पाया सूप बना लेते थे, भैया दो जी पी लो डट के, बट आज ही मैंने बनाई है आपको, मैंने जैसे बताया एक डिफरेंट वे में, बट वाकई में यार क्या फ्लेवर दे रही है, मतलब दही का रोल अदा जो है, दही का जो रोल है भाई वाकई में काबिल तारीफ है।
देखो बहुत सॉफ्ट है यार। भाई देखो मेरे हाथ चिपकना स्टार्ट हो गया यार, सच में कह रहा हूँ। देखो कमाल की चीज़ है यार। हाँ हड्डियाँ भी चबा रहा हूँ मैं, आप बिलीव नहीं करोगे मैं हड्डियाँ भी चबा रहा हूँ, खा रहा हूँ। देसी घी ने तो भाई और भी चार चांद लगाए हुआ, तो भाई भूल गया भाई, भाई एक प्लेयर और भी है भाई देसी घी। तड़का भाई ज़रूरी है, बल्कि वो आपका एक टर्निंग पॉइंट रहेगा जी इस रेसिपी के अंदर, कि एक फ्लेवर आपको देगा देगा यार वो देसी क्यों ऑनली। और दही तो है ही यार, तो भाई टेस्ट तो हो गया यार, करी भी हो गई, ये भी हो गया, ये भी हो गया भाई। किंग भाई, किंग को लेकर तो मैं इज्जत। तो लो भाई किंग की एंट्री हो चुकी है भाई। किंग आज बहुत खिला खिला देखो लग रहा है ना, 1 2 3 4 5 भाई 6 नहीं हो पाता, कोई चक्कर नहीं है भाई। आओ भाई मुद्दा जी, अब इसकी करी का जो इस पर डुलने वाली है, आ डुल जा ना, डुल जा भाई डुल जा, और मस्त मस्त से पीस का। हाँ भाई डुल जा तू भी यार। हाँ अब आना जी स्वाद डबला डबला। हाँ यार मैं सच में कह रहा हूँ भाई, बहुत लोड है इस करी का यार, बहुत लोड है। मैं इसे सूप नहीं बोलूँगा, मैं करी बोलूँगा इसे। हाँ कर दो जी इसको मिक्स मुक्स चंगे से। हाँ भाई पहली बाइट। ओ भाई खतरनाक खतरनाक टेस्ट, सच में कह रहा हूँ बाइट रखते ही यार भाई क्या हुआ, एक वो क्या वो ट्रिगर हो गया ट्रिगर। क्या फ्लेवर है भाई, किंग ने क्या फ्लेवर दिया। अब इमोशंस जो है ना वो ऑटो कंट्रोल हो रही हैं यार। भाई प्याज खाना तो भूल ही गए यार। तो दोस्तों भाई ये था जी अपना पाया भाई एकदम डिफरेंट स्टाइल में, आप इसे जरूर ट्राई करना, मुझे बताना कैसा लगा और कैसा बना। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।